अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आप सबका महर किचन में वेलकम है। और आज हम बनाने जा रहे हैं सेसमी चिकन विद फ्राइड राइस। तो मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगी, क्योंकि काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। पीछे राइस के रखे हुए हैं, आगे चिकन के हैं। तो क्रिस्पी चिकन पहले हम फ्राई करेंगे, उसके बाद का जो मेथड होगा वो भी हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे। और चिकन के लिए हमने ये हाफ के जी चिकन को हमने बोनलेस कर लिया है, और दो प्याज हमने अनियन ले लिए हैं, उसको क्यूब्स में काट लिया है, और ये ग्रीन चिलीज़ हैं, इसके हमने बीज अलग कर लिए हैं, और ये हमने वन टोमेटो ले लिया है, चॉप गार्लिक ले लिया है 2 टेबल स्पून, और ये हमने 1 कप चिली गार्लिक सॉस ले ली है, 1 एग ले लिया है, 2 टेबल स्पून मैदा, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ले लिया है, सेसमी सीड्स ले लिए हैं, और ये हमने कश्मीरी मिर्च ले ली है, हॉट पेपरिका, सॉल्ट 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ये हमने ब्लैक पेपर ले लिया है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून हमने वाइट पेपर ले लिया है, 1 टेबल स्पून हमने चाइनीज़ सॉल्ट ले लिया है, 1 टेबल स्पून हमने पिसा हुआ ज़ीरा ले लिया है, ये हमने ले लिया है चिली गार्लिक सॉस और सोया सॉस। बाकी के हम राइस के इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी हम आपको जैसे राइस स्टार्ट करेंगे तो हम साथ साथ आपको बताते जाएंगे। मैं फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ। ये चाइनीज़ सॉल्ट है, ये हमने एक प्याज को चॉप कर लिया है, ये गार्लिक पेस्ट है, 2 क्यूब्स चिकन के ले लिए हैं, ये शिमला मिर्च है, ये हमने कैबेज ले लिया है, इसको बारीक हमने कट कर लिया है, और ये स्प्रिंग अनियन ले लिए हैं, ये भी 1 कप जितना आप ले लें, ये 3 एग्स हैं जिसमें हमने जर्दे का रंग और सॉल्ट डालकर इसको हमने इसको भी हम फ्राई करेंगे, बटर ले लिया है, बाकी जो ये है मिक्स हर्ब है, ओरिगानो है, पार्सले है, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, सोया सॉस, चिली सॉस, ये सब जो हैं ये हम जब ऐड करेंगे तो आपको बताते जाएंगे साथ साथ। और अभी हम चिकन को मसाला लगा लेते हैं। ये हम बाइंडिंग के लिए डाल रहे हैं। क्रिस्पी चिकन को हम फ्राई करेंगे, ये 1 एग डालेंगे हम इसमें, और इसको अच्छे से हम मिक्स करके इसको हम 1 घंटे के लिए चाहें, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको मैरिनेट नहीं करें, आप इसको फौरी फौरी भी बना सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। हम इसको अभी मिक्सिंग करेंगे, मिक्सिंग करने के बाद हम आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं हम इसको हाथ से अच्छे से मिक्सिंग कर रहे हैं। इसको मिक्सिंग करके आप 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दें मैरिनेशन के लिए। ये देख लें, ये इस तरह से करके इसमें मैंने 1 एग और डाला है क्योंकि मुझे कम लग रहा था, तो आप भी अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, और स्पाइस भी आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कर सकते हैं। अब हम इसमें चिकन डालेंगे फ्राई करने के लिए। एक एक पीस करके आप डालें इसमें। ये देखें, इस तरह से आपने गोल्डन फ्राई करना है, ये क्रिस्पी बने। इसको आप फिर डिश आउट करेंगे, और उसके बाद ये अलग से पैन रखा हुआ है, इसके अंदर ये देख सकते हैं हमने इसमें गार्लिक डाला था, उसको अच्छे से फ्राई किया, फिर इसमें हमने ये टमाटर, प्याज और हरी मिर्च ये डाल दी है, शिमला, ये हम कैप्सिकम डाल देंगे इसमें, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये जैसे ही फ्राई हो जाएंगे उसके बाद हम इसको ऐड करके फिर जो भी हम सॉसेज हैं वो सारे हम इसके साथ ही ऐड करेंगे।
ये हमने फ्राई करके रखी हुई है, आप देख सकते हैं इस तरह से ये बनेगी और काफ़ी क्रिस्पी बनती है ये आप देख सकते हैं, इस तरह से देखें इसको, ये क्रिस्पी है काफ़ी। ये देखें इसको इस तरह से आपने मिक्स करना है चिकन डाल के। वेजिटेबल्स को आपने बहुत ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना है, हल्की कच्ची पकी रखें, बहुत मज़े की लगती हैं, बहुत ज़्यादा आप गला देंगे तो इसका जो मज़ा है वो ख़राब हो जाएगा। पहले आप ये अच्छे से वेजिटेबल्स इसके साथ फ्राई हो जाएं, चिकन के साथ ही, तो फिर हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपके सामने ही डालेंगे। ये देखें ये अच्छे से फ्राई हो गया है, अब इसमें हम सोया सॉस और हॉट सॉस डाल देंगे। अब हम इसमें ये चिली गार्लिक सॉस और टोमेटो सॉस हमने मिक्स की हुई थी, ये आप अच्छे से इसमें मिक्स कर दें इसको। इसमें आप थोड़ा सा चाइनीज सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून जितना। ये इस तरह से बनेगी चिकन, इसको कॉर्नफ्लोर डालने की बिल्कुल नीड नहीं है। और अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी और करनी है, मेरे पास यखनी है, मैं वो थोड़ी सी अभी ऐड करूंगी इसमें। ये हम राइस के लिए एग को फ्राई करेंगे, हम राइस हमने बॉईल कर लिए हैं, इस तरह आपने ना इसको ये हम दूसरे पैन में चॉप अनियन डाल देंगे, ये हमने एग जो है इस तरह से कर लिया, इसमें हम ये चिकन को डाल के फ्राई करेंगे, ये हमने बॉईल कर ली थी, ये हमने चिकन को फ्राई करके साइड पे कर दिया है, आप चाहें तो अलग से निकाल के रख लें, बट उससे टाइम वेस्ट होता है तो इसलिए मैंने निकाला नहीं। ये हमने कैरेट डाल दिया, ये देखें ये मैं इस तरह एक एक करके फ्राई करती गई और उनको साइड पे करती गई। अभी मैंने कैबेज और स्प्रिंग अनियन डाले हैं, चिकन पाउडर है ये मैं आप लोगों के सामने डालूंगी, इसको ऐड करूंगी, ये आप 2 टेबल स्पून ले लीजिए। सोया सॉस डाल दीजिए, 3 to 4 टेबल स्पून। ये वाइट पेपर डाल दीजिए, ये ब्लैक पेपर डाल दीजिए इसमें, ये चिली सॉस, ये मैं डाल दूंगी इसमें, मेरे पास जितनी है मैं डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, 4 to 5 टेबल स्पून। और हम इसको अच्छे से मिक्सिंग करेंगे,
ये देख सकते हैं, ये हमने इसकी मिक्सिंग कर ली है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये हमने डिश आउट कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। ये चिकन है, सेसमी चिकन, जो मैंने इसको चिली चिकन भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें स्पाइस वगैरह जो चिली है की है, कैप्सिकम है, ये मैंने क्वांटिटी ज़्यादा रखी थी। और ये हमारे फ्राइड राइस हैं, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाजमी ट्राई कीजिएगा, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ। और ये मेरी ख़ुद की रेसिपी है, इसमें देसी टच भी है और चाइनीज़ टच भी है। और 1 kg राइस बनाए थे, और स्पाइस क्वांटिटी जो है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जब भी ट्राई करें मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, मुझे बहुत लोग फ़ीडबैक देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और थैंक यू सो मच, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।